हेलो फ्रेंड्स, अब भरवा सब्जी बनाना होगा और भी आसान अगर आपके पास होगा भरवा मसाला। जी हाँ, आज मैं आप सभी के लिए भरवा मसाले की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और इसे बना के महीनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी भरवा सब्जी बनाने का मन हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं नीतू मिश्रा, मेरे YouTube चैनल स्वाद इंडिया स्वैग इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। भरवा मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस पे, उसी में डालेंगे 2 चम्मच बेसन और बेसन को चलाते हुए हम लगातार भून लेंगे। बेसन को हमें मीडियम आँच पे ही भूनना है, बस इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, ये तैयार हो जाएगा। भरवे में बेसन इसलिए डाला जाता है कि ये मसाले को तेल में फैलने नहीं देता और हमारे भरवे को एक परफेक्ट बाइंडिंग देता है। बस 2 से 3 मिनट हो गया है भूनते हुए, अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसी में डालेंगे बाकी के मसाले। 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सौंफ पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर। अब इसे भी हम भून लेंगे। जितना हमारा कढ़ाई गर्म है ना, उतने में ये मसाले अच्छे से भून जाएंगे। बस इसे लगातार चलाते हुए भून दें। इसमें से देखेंगे आप बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, सारे मसालों की खुशबू आने लगेगी। अगर एक बार आप ये मसाला बना के तैयार कर लेंगे तो आप किसी भी भरवे के साथ ये मसाला यूज कर सकते हैं। अब मसाले हमारे तैयार हो गए हैं, अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने जल्दी हमारे मसाले तैयार हो गए। बस इन मसालों को बनाने में 2 से 3 मिनट लगता है। अब इस मसाले में मैं डाल दूंगी 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दें। अब इसे मैं डालूंगी मैं 2 से 3 चम्मच तेल। तेल हमारे मसालों को एक बाइंडिंग देता है और इसे बिखरने नहीं देता। और साथ में डालूंगी स्वादानुसार नमक और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी, बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपके मसाले में तेल कम लग रहा है तो आप इसमें तेल और डाल दें। मैं यहाँ पे तेल थोड़ा सा और डालूंगी। एकदम अच्छा सा बाइंडिंग बनना चाहिए मसाले का, मतलब एक लड्डू के फॉर्म में बनना चाहिए मसाला आपका। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब मसाला मेरा हो गया है तैयार। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा बना है ना हमारा मसाला। अब इस चटपटे भरवे मसाले के साथ आप कोई भी भरवा सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो आपको मेरी भरवा मसाले की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।